नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। गाइस, अफगानिस्तान और नीदरलैंड, ये भी मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मैच है। और कुछ बात है जो आप लोगों से कहना है। सबसे पहली बात कि अब से वर्ल्ड कप के अंदर पिच के रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं करना है। हमें जिन प्लेयर पर भरोसा है उन प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर रखना है, जिन प्लेयर्स पर भरोसा नहीं है उनको नहीं रखना है। सिंपल इज दैट। रीजन मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैं जितनी बार देखा पिच की रिपोर्ट कम्प्लीटली गलत बताया जा रहा है, कम्प्लीटली गलत आ रहा है। आज के पिच के रिपोर्ट में क्या आया, स्पिनर्स का ट्रैक है, स्पिन विकेट है, यानी कि स्पिनर को टर्न मिलेगा, स्पिनर्स को विकेट ज़्यादा मिलने के चांसेज हैं। और आपने देखा फर्स्ट इनिंग के अंदर सारे के सारे विकेट डी मधुसूदन का लेकर गया। डी हेमंता को ना ही विकेट मिला और ना ही थिक्षाना को विकेट मिला, किसी को विकेट नहीं मिला, स्पिनर्स को तो विकेट ही नहीं मिले। अब देखते हैं सेकेंड इनिंग में क्या होता है। बट ओवरऑल सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को तो विकेट मिलेंगे, कुलदीप यादव हो या जडेजा हो, ये लोग तो विकेट टेकर है, विकेट लेकर जाएंगे। लेकिन थिक्षाना जैसे बॉलर्स को विकेट नहीं मिला, हेमंता को विकेट नहीं मिला। और मजे की बात यह है कि हमने जितनी भी टीम बनाई सब में मधुशंका को फिक्स करके रखा था। इन लोगों की वजह से जो है हम लोगों को, आपको भी हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को हुआ होगा कि उन्होंने थिक्षाना को या फिर हेमंता को, मैंने हालांकि टेलीग्राम पर भी दिया था पिच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जडेजा हो गया, थिक्षाना हो गया, इन लोगों को, कुलदीप यादव को, इन लोगों को रोटेट करना पड़ेगा। और रिजल्ट हमारे सामने है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, बाकी आप लोगों की मर्जी। कल से किसी भी तरीके से पिच की रिपोर्ट पे हमें काम नहीं करना है, उनके ऊपर, पिच की रिपोर्ट पर डिपेंड नहीं होना, क्योंकि पिच की रिपोर्ट हमें हमेशा गलत आ रहा है। रीजन क्या है पता नहीं, ये ऊपर से आ रहा है कि कुछ सेटिंग्स हैं इन लोगों का, ये मुझे नहीं पता, बट पिच का रिपोर्ट गलत आ रहा है, तो ये बात मुझे आपको बतानी थी। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच में। तो इस मैच के अंदर भी, जैसे मैंने इस मैच के अंदर बोला था कि रोहित शर्मा धोखा दे सकता है, रोहित शर्मा को मैंने इनफैक्ट यहाँ तक बोला था कि कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल ना बनाए, इसके अलावे टीम में ना रखे, रखना हो तो 50% टीम में ही रखे, नहीं तो उसे ड्रॉप करे। श्रेयस अय्यर अच्छा खेल कर गया, श्रेयस अय्यर पर मुझे भरोसा था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी तक तो मैच सही गया है, सिवाय एक मधुशंका के। चलिए अब बात करेंगे, ठीक उसी तरीके से इस मैच के अंदर भी यही कंडीशन होने वाला है। कुछ एक प्लेयर, ट्रंप प्लेयर बाहर निकलेंगे, ऐसे प्लेयर जिनको लोग बिल्कुल ही इग्नोर कर चुके हैं, वो प्लेयर आज के मैच में अच्छे खासे चलने वाले हैं। अफगानिस्तान के जितने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट सिचुएशंस क्या होगी ये तो मैच के ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीजें, रिकॉर्ड्स, प्लेयर बैटल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि प्लेयर बैटल 2022 में ये मैच हुआ था। रीजन क्या था कि 2022 में जब हुआ था तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी खेल रहे हैं वो उस टाइम नहीं थे। इसके अलावे कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनका रिकॉर्ड्स अच्छा कह रहा है और वो फ्लॉप हो सकते हैं, कौन से प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमें ट्रंप प्लेयर एज ए डिफरेंशियल पिक के तौर पर अपने टीम में लेना चाहिए, तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाता हूं हर एक पॉइंट्स जिससे कि हमारे को टीम बनाने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। नीदरलैंड वर्सेज अफगानिस्तान, 34वां मैच है ये वर्ल्ड कप 2023 का। इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के ग्राउंड पर यह मैच होने जा रहा है। नवंबर 3 दोपहर 2 बजे से ये मैच खेला जाना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग प्लेइंग 11 के बारे में। अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात किया जाए तो वी सिंह, मैक्सो डाउड, ये जो हैं ये नीदरलैंड्स के प्लेयर हैं जिनके पॉसिबल प्लेइंग 11, जिनमें वी सिंह और मैक्सो डाउड ये ओपनिंग करने आएंगे। डब्ल्यू बारेसी जो है ये फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट डाउन आएंगे। इसके अलावा एकरमन है, लीडे हैं, एडवर्ड्स है, ठीक है, एंगल ब्रेक है, डी मैरवे है, एलवन बिक, ए दत्त, पी मेकरन, ये जो होंगे प्लेयर ये कंप्लीटली पॉसिबल प्लेइंग 11 नहीं, मतलब लगभग 99% है कि यही टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे आपको नीदरलैंड्स के तरफ से। अगर हम बात करें अफगानिस्तान के तरफ से तो आर गुरबाज, आई जदरान, रहमत शाह, एस सहीदी, आई अली खिल, एम नाबी, उमरजाई, राशिद खान, फारूकी, मुजीबुर रहमान और नवीनुल हक, ये हमारे को दिखाई देंगे कहाँ से, अफगानिस्तान से। तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है, 99% है, शायद इसमें कोई चेंजेस मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ जो है वो क्या कहता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पिछला जो मैच हुआ था यहाँ पर इस ग्राउंड पर, तो उसके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीछे का छोड़ दिया जाए, यहाँ से ऊपर का छोड़ दिया जाए, जो चार मैचेज हुए इनके अंदर, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, 311 रन बनाया, 7 विकेट गिरा, फास्ट बॉलर को 4 विकेट, स्पिनर को 3, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है,
177 रन पर ऑल आउट होती है। फास्ट बॉलर को 6 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिलता है, जबकि श्रीलंका 209 रन बनाती है, 10 विकेट गिरते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड फिर से 262 रन बनाती है, 10 विकेट गिरते हैं। फिर इंडिया यहाँ पर 229 रन बनाई, 9 विकेट गिरा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है चीजें, हमें देखने की क्या जरूरत है कि भले ही साउथ अफ्रीका यहाँ पर 311 रन बनाती है, बट एवरेज स्कोर जो है ना वो यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है, एवरेज स्कोर यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि दोनों ही टीम से एवरेज 200 से लेकर 250 के आसपास ही रन आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा स्कोरिंग यहाँ पर नहीं होगा। अगर बात करें विकेट्स की तो फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स को कम विकेट मिल रहा है। अब यहाँ पर देखने की जरूरत यह है कि सपोज कीजिए कि अगर स्पिनर्स की बात करें तो देखिए 3 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, ये विकेट्स का रेशियो है स्पिनर्स का, जबकि फास्टर का 4 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट इस तरीके से मिल रहे हैं। ओवरऑल इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में 5 से 8 या ऑल आउट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, 5 विकेट गिरेंगे या फिर ऑल आउट होंगे, यहाँ पर ये रेशियो देखने को मिलेगा। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलती है, इसलिए हमें फास्ट बॉलर को ज़्यादा रखने की जरूरत पड़ेगी फर्स्ट इनिंग के अंदर। अगर सेकेंड इनिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर रन चेज नहीं हुआ, 10 विकेट गिरे। दूसरा मैच चेज हो गया, 5 विकेट गिरा। फिर तीसरा मैच 263 रन बना, रन चेज हो गया। इंडिया बनाई 229 रन 9 विकेट पर और इंग्लैंड यहाँ पे 129 रन पर ऑल आउट हो जाती है, रन चेज नहीं हो पाता है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ जब यहाँ पर रन चेज नहीं हुआ, 2 बार इस साल वर्ल्ड कप में जो मैचेज हुए हैं 2 मैच जो है चेज हुए हैं और जो 2 मैच है वो चेज नहीं हो पाया है, और जो चेज नहीं हो पाया वो 10-10 विकेट ऑल आउट हुए, लेकिन जो चेज हुआ वो 5-5 विकेट पर ही चेज हुआ है। ओवरऑल सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलेगा, इसलिए हमें स्पिनर्स को ज़्यादा रखने की जरूरत पड़ेगी सेकेंड इनिंग में। और हालांकि फास्ट बॉलर्स को भी ज़्यादा विकेट मिले हैं, देखिए 6 विकेट, 3 विकेट, 7 विकेट, लेकिन स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग के मुकाबले स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में ज़्यादा रखने की जरूरत पड़ेगी। फास्ट बॉलर को हमें सेम रेशियो में रखना है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, फास्ट बॉलर को सेम रेशियो में रखना है, लेकिन सेकेंड इनिंग के अंदर स्पिनर्स की संख्या थोड़ी ज़्यादा रखनी है, फर्स्ट इनिंग के अंदर कम रखनी है, यहाँ पर ये रेशियो हमें बता रहा है। अब चलिए चलते हैं यहाँ से, सबसे पहले हम आते हैं जो बैटिंग है वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमें देखने की क्या क्या जरूरत है ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स है उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है आप लोगों को। पिछला चार मैच हुआ उसके अंदर एक ओपनर जल्दी आउट हुआ, जबकि यहाँ पर लास्ट मैच में 2 ओपनर यानी कि 4 रन और 16 रन पर आउट हुए, नहीं तो दोनों ओपनर अच्छा खेल के जा रहे हैं फर्स्ट इनिंग के अंदर। देखिए यहाँ पर सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए तो एक ओपनर 68 रन बनाता है, फिर यहाँ पर दोनों ओपनर ठीक ठाक रन बनाए 109 रन और 35 रन, फिर तीसरे मैच के अंदर 61 रन और 78 रन, फिर चौथे मैच के अंदर यहाँ पर जो है रन अच्छे से नहीं बना, यानी ओपनिंग जोड़ी रन नहीं बनाई। तो अब आपको क्या करना है, अगर टीम कोई भी टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो उसके दोनों ओपनर को एक टीम के अंदर रखना है और एक टीम के अंदर दोनों ओपनर में से किसी एक ओपनर को ड्रॉप करना है, फिर एक टीम के अंदर दोनों ही ओपनर को ड्रॉप करना है। लेकिन अगर अफगानिस्तान बैट फर्स्ट करेगी तो चांसेज है कि गुरबाज अच्छा खेल सकता है, क्योंकि गुरबाज जो है फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो गुरबाज और जदरान दोनों ही अच्छे फॉर्म में हैं और अच्छे खेलते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कि अगर अफगानिस्तान बैट फर्स्ट करे तो अच्छे खासे रन बनाए, दोनों ओपनर जल्दी आउट ना हो, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और अगर यहाँ पर नीदरलैंड बैट फर्स्ट करती है तो हो सकता है कि एक विकेट जल्दी गिर जाए और कोई एक यहाँ पर जम जाए, या तो मैक्स ओडाउड हो सकता है या फिर विक्रमजीत सिंह हो सकता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कल का जो दिन है वो मैक्स ओडाउड का दिन है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आगे बताऊंगा क्यों और कैसे। अब वन डाउन की बात करें तो वन डाउन का प्लेयर फ्लॉप चल रहा है, आप देखिए यहाँ पर वन डाउन का जो प्लेयर है ये फ्लॉप चल रहा है, 21 रन 26 रन 29 रन एक मैच में और 9 रन ही बना, तो एवरेज देखा जाए तो 20 से 30 रन के आसपास में फर्स्ट इनिंग मतलब जो नंबर 1 का प्लेयर है उसके स्कोरिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसके बाद नंबर 4 का प्लेयर एक बार 56 रन बनाया, बाकी के टाइम पर फ्लॉप। नंबर 5 का प्लेयर 35 29 और 25, तो नंबर 4 का प्लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा 6 और 7 में से कोई एक प्लेयर यहाँ पर ठीक ठाक खेलकर जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है,
दोनों ओपनर को रखना है, फिर चार और पांच और छह, इन तीनों में से किसी दो या किसी एक को आपको रोटेट करना है। ये होगा बैटिंग फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन की बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग सेकेंड इनिंग की। अब सेकेंड इनिंग की अगर बात किया जाए तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है। सेकेंड इनिंग में दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, दोनों ओपनर ने ही वन डाउन भी फ्लॉप हुआ, तीन टॉप थ्री फ्लॉप, टॉप थ्री फ्लॉप, टॉप टू यानी कि वन डाउन का प्लेयर तो कंटिन्यू फ्लॉप चल रहा है इस ग्राउंड पे, वन डाउन का प्लेयर कंटिन्यू फ्लॉप चल रहा है इस ग्राउंड पर सेकेंड इनिंग में, आप यहां पर देख रहे हैं। इस पीछे का भी देखा जाए तो सिर्फ एक बार 33 रन बनाया, उसके बाद कंटिन्यू फ्लॉप चल रहा है, कंटिन्यू, ठीक है। अगर ओपनर की बात करें तो एक ही ओपनर चल रहा है, कोई भी एक ओपनर चल रहा है, एक ओपनर जल्दी आउट हो रहा है सेकेंड इनिंग में, ये रेशियो यहां पर बता रहा है। अब चल कौन रहा है तो चार पांच और छह, इन तीनों में से या तो आप तीनों को रखिए या फिर तीनों में से किसी दो को, ये सेकेंड इनिंग में रिकॉर्ड यहां पर कह रहा है। अब आप यहां से समझ गए होंगे कि यहां पर किस तरीके से बैटिंग ऑर्डर काम कर रहा है, ठीक है। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एक बार कि न्यू फैंटेसी ऐप प्लेओटा के बारे में, जिस पर आप फैंटेसी के नए तरीके से आप फैंटेसी खेल सकते हैं। यहाँ पर रुपीज में पैसे काउंट नहीं होते, योटा में पैसे काउंट होते, जैसे कि एक योटा बराबर एक रुपया, यहाँ पर ऐसे काउंट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्या फैसिलिटीज है। सबसे पहले नो जीएसटी अप्लीकेबल, यहाँ पर कोई जीएसटी लगने वाला नहीं है। इसके अलावा मिनिमम डिपॉजिट और मैक्सिमम जो है आप जो पैसे जीतते हैं उसको विड्रॉ कर सकते हैं, जितना ज्यादा पैसे आप जीतेंगे उतना ज्यादा आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा टीम क्रिएशन में कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ड्रीम इलेवन या माई सर्कल इलेवन कहीं से भी अगर आप टीम तैयार करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां पर स्कैन कीजिए और आपका एक मिनट के अंदर, एक क्लिक के अंदर आप अपना टीम बनाइए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पांच रुपए में एक कॉन्टेस्ट आप यहां पर ज्वाइन करेंगे और 50,000 तक यहां पर आप फर्स्ट प्राइज में विनिंग कर सकते हैं। डिपॉजिट और विड्रॉल इंस्टेंटली है, जितनी जल्दी डिपॉजिट कीजिएगा उतनी ही जल्दी आपका विनिंग अमाउंट यहां से विड्रॉ होगा। अगर आप कम पैसे के इन्वेस्टमेंट से पैसे, अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत बेहतरीन है। जाइए डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड का जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन जो लिंक है, वो आपका पिन कमेंट में डाला हुआ है और रेफरल कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ से आपको बोनस भी मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं हम लोग नीदरलैंड के जो बैट्समैन हैं वो कौन कौन से हैं जो अच्छे रिदम में है, अच्छे फॉर्म में है। विक्रमजीत सिंह और मैक्स ओडाउट की बात करें तो ये लोग कंटिन्यू अभी तक फ्लॉप चल रहे हैं, कंटिन्यू। सिर्फ विक्रमजीत सिंह एक बार सेकेंड इनिंग में 25 रन बनाया, इसके अलावे मैक्स ओडाउट भी कंटिन्यू फ्लॉप चल रहे हैं। तो मैक्स ओडाउट एक अच्छा प्लेयर है, हो सकता है कि कल के मैच में ये अपना अच्छा पारी खेल के जाए, 40 रन 50 रन भी बनाकर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा है, अच्छा प्लेयर है, कल के मैच में उम्मीद है कि चल जाए, उम्मीद है, फिक्स नहीं करना है, रोटेट करना है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। वन डाउन का प्लेयर है डब्ल्यू बारेसी, एक बार खेले 41 रन बनाया। लीडे पिछले तीन मैच से चार मैच के अंदर ये कंटिन्यू फ्लॉप चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, 2 रन 6 रन 4 रन 17 रन। पहले मैच में 67 रन बनाया, उसके बाद 18 और उसके बाद कंटिन्यू फ्लॉप चल रहा है ये जो खिलाड़ी है। तो कल के मैच में भी मैं इन पर कम ही उम्मीद करूंगा कि शायद ये चले या ना चले, थोड़ा सा शक इन पर भी है मुझे, जैसे आज रोहित शर्मा पे था वैसे इन पर भी है। एकरमन ठीक ठाक है, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएंगे, तो हो सकता है कल के मैच में डीटी बनने वाला जो खिलाड़ी है एकरमन हो सकता है। एंगल ब्रेड को कल के मैच में आप इनको फ्लॉप कीजिए, मुझे उम्मीद है कि कल ये फ्लॉप हो सकते हैं। एस एडवर्ड्स अच्छे खिलाड़ी हैं तो ये अच्छे रिदम में रहेंगे। तो विकेट कीपर सेक्शन से हमारे पास दो ऑप्शन है, एक गुरबाज है और दूसरा कौन है, एडवर्ड्स है। तो या तो दोनों को रखिए या फिर अगर ड्रॉप करना होगा तो सेकेंड इनिंग में गुरबाज को ड्रॉप कीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में गुरबाज को जरूर रखिएगा। एलवन बिक 59 रन और 23 रन, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट्स देके जा रहे हैं। तो यहां से अगर हमारे को देखा जाए कि इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन है तो इन दोनों में से कोई एक होगा, विक्रमजीत सिंह और मैक्स ओडाउट, इन दोनों में से कोई एक होगा। डब्ल्यू बारेसी पे मुझे कम उम्मीद है कि चलेंगे। लीडे एकरमन, ठीक है, एकरमन तो फिक्स है, लीडे को रोटेट करना है और एडवर्ड को रोटेट करना है, ये यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं बैट्समैन के तौर पे। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो पिछले मैच के अंदर मेकरन को 4 विकेट मिला, हालांकि उसके पहले 0 विकेट, उसके पहले 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, तो कंटिन्यू विकेट लेके जाते हैं, 1 से 2 विकेट इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। लीडे को कंटिन्यू 2-2 विकेट मिलते हैं, सिर्फ एक मैच में इन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। इसके अलावे यहाँ पे एलवन बिक जो है ये कंटिन्यू फॉर्म में है, 4 विकेट और 1 विकेट लेके जा रहे हैं। आर्यन दत्त को भी 1-1 विकेट मिल रहा है, पिछले उससे एक बार ये सेकेंड इनिंग में 3 विकेट लेकर गए हैं, नहीं तो 1-1 विकेट का रेशियो रह जाता है।
अभी मैं आगे बताऊंगा कि यहां से किस तरीके से बॉलर्स और बैट्समैन को हमें पिक करना है नीदरलैंड की तरफ से और किस तरीके से पिक करना है हमें अफगानिस्तान की तरफ से। अब आइए चलते हैं सीधा हम अफगानिस्तान के बैट्समैन पर। अगर अफगानिस्तान के बैट्समैन पर फोकस किया जाए तो पिछले मैच में 0 रन पर आउट हुए थे कौन, आर गुरबाज। इस मैच में इनके चलने के फुल चांसेज हैं। आई जदरान ठीक ठाक परफॉर्मेंस देके जा रहे हैं तो ये भी हमारे लिए जरूरी हो सकते हैं। रहमत शाह 77 और 62 का अच्छा पारी खेल कर गए हैं। कल के मैच में मुझे लगता है कि ये वो वाली पारी अपनी शायद इनकी नहीं आएगी, फ्लॉप होने के चांसेस मुझे कल के मैच में ज़्यादा लग रहा है। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि रहमत शाह और एच शहीदी इन दोनों की बहुत बढ़िया जो परफॉर्मेंस है ना वो सेकेंड इनिंग में आता है, और अगर फिर से ये लोग सेकेंड इनिंग में खेलने आए तो ये चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में मैं इनको ड्रॉप करके जाऊंगा। इसके अलावा उमराजाई बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, बैटिंग से देखिए 73 रन बना के गया, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही ये लड़का पॉइंट देके जाता है, तो इसको हमें किसी भी कीमत पे ड्रॉप करने का रिस्क हम नहीं ले सकते। अब आइए बात करते हैं इनके बॉलर्स की। तो इनके बॉलर्स की अगर बात किया जाए तो एफ फारूकी पिछले मैच में 4 विकेट लेके गए, जैसे मधुशंकर लेके गए ऐसे आज के मैच में पिछले मैच में 4 विकेट फारूकी लेके गए। उसी तरीके से अजमतुल्ला उमराजाई एक एक देख रहे हैं, एक विकेट 2 विकेट और पिछले सिर्फ लास्ट के 2 मैच में इनको विकेट नहीं मिला, वरना विकेट कंटिन्यू मिल रहा है। और इसके साथ साथ ये बैटिंग से भी पॉइंट देके जा रहा है ये खिलाड़ी, तो ये खिलाड़ी बहुत ही जरूरी हो सकता है। मुजीबुर रहमान इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, आगे बताऊंगा कैसे। मोहम्मद नाबी 0 विकेट या 1 विकेट मिल रहा है, एवरेज है, बैटिंग से भी पॉइंट्स इनसे निकल के नहीं आ पा रहा है। राशिद खान इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, लखनऊ के पिच पे वैसे भी स्पिनर्स को थोड़ा सा टर्न मिल जाता है तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। राशिद खान इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और यहाँ से मुजीबुर रहमान, इन दोनों की फिरकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। एक काम और कर सकते हैं, कल के मैच में फिर से राशिद खान को कैप्टन, मुजीबुर रहमान को वाइस कैप्टन, मुजीबुर रहमान को कैप्टन, राशिद खान को वाइस कैप्टन, ऐसा 1-2 टीम जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों खिलाड़ी किसी न किसी मैच में अपनी फिरकी की जादू चलाते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन यही बनकर बाहर निकलते हैं। बात करते हैं नवीन उल हक को, पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था, इस मैच में विकेट मिलने के चांसेस हैं, 1 से 2 विकेट मिल सकता है। अब आइए बात करते हैं नीदरलैंड के बैट्समैन की हेड टू हेड, जो हेड टू हेड का परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो सबसे अच्छा जो 50+ 3 मैच खेले और तीनों ही मैच में 50+ का स्कोर खड़ा किया कौन, एस एडवर्ड्स। इसीलिए मैंने बोला एस एडवर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एकरमन 2 बार 10 रन और 5 रन पर आउट हुए और 1 मैच में 81 रन बनाया। लीडे 2 बार फ्लॉप हुए और 1 बार 34 रन, बाकी के 2 टाइम ये बैटिंग से पॉइंट्स नहीं देकर गए। अब आइए बात करते हैं हम हेड टू हेड की, तो नीदरलैंड्स के जो बॉलर्स हैं वो हेड टू हेड में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नीदरलैंड्स के बॉलर्स की तरफ से आर्यन दत्त को 1 बार 1 विकेट मिला था। फ्रेड क्लासिन नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, किंगमा नहीं खेल रहे हैं, जो लोग विकेट लेते थे वो लोग नहीं खेल रहे हैं। विकेट लेने में एकरमन है और जो इनको 1-1 विकेट मिला हुआ है हेड टू हेड के अंदर, और 1 बार आर्यन दत्त खेले थे तो इनको 6 ओवर में 1 विकेट मिला। इसके अलावे इन लोगों को विकेट नहीं मिल रहा है, मतलब कि वो लोग खेल ही नहीं रहे हैं। 2022 में ये मैचेज हुआ था तो ये लोग खेल ही नहीं रहे। अब चलिए बात करते हैं अफगानिस्तान के बैट्समैन का हेड टू हेड में किसका रिकॉर्ड है। आर गुरबाज 2 बार फ्लॉप हुए हैं और 1 बार 103 रन बनाकर गए हैं और वो भी फर्स्ट इनिंग में। रहमत शाह 70 रन 35 रन 48 रन, एच शहीदी 73 रन 54 रन 28 रन, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ से कि ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही जरूरी हैं। तो अगर ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो गुरबाज का भी परफॉर्मेंस ठीक रहता है, रहमत शाह एच शहीदी का परफॉर्मेंस ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल 2 से 3 विकेट पर ही ये अफगानिस्तान पूरा रन बनाए और जीत जाए, ये पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नीदरलैंड्स के सिर्फ बैट्समैन को रखने की जरूरत है, बॉलर्स को हम उतना रखने की कोशिश नहीं करेंगे, 1-2 टीम तो हम ऐसा बना ही सकते हैं। उमराजाई 1 बार खेले और 15 रन बनाए थे। चलिए चलते हैं बात करते हैं अफगानिस्तान के बैट्समैन का हेड टू हेड में, बॉलर्स का हेड टू हेड में क्या रिकॉर्ड है। फारूकी 1 बार खेले 1 विकेट मिला, अजमतुल्ला को 1 विकेट मिला, फरीद मलिक खेले थे 2 और 1 विकेट मिलकर गया है। इसके अलावा मुजीबुर रहमान, मैंने बोला ना मुजीबुर रहमान, आप देखिए मुजीबुर रहमान को 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट कंटिन्यू विकेट लेते हैं ये नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, इसलिए ये खिलाड़ी फिक्स करना है, रोटेट नहीं करना है, फिक्स करना है। राशिद खान 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, इस खिलाड़ी को भी हमें फिक्स करके चलना है राशिद खान को, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है राशिद खान और मुजीबुर रहमान। इसके अलावा फारूकी और नवीन उल हक में से रोटेट करना है, कोशिश कीजिएगा नवीन उल हक को अपनी टीम में शामिल कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं टीम पे जाते हैं, टीम क्रिएशन पे फोकस करते हैं कि टीम किस तरीके से
क्रिएट किया जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे रहमतुल्ला गुरबाज को मैंने अपनी टीम में शामिल किया। इसके अलावे रहमत शाह, मैक्सो डाउड, आई जदरान, एकरमन, एलवन बीक, उमरजाई, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए मैंने पूरे अफगानिस्तान के बॉलर्स को यहाँ पर फिक्स कर दिया है, जैसे राशिद खान, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान और फजल हक फारूकी। यहाँ पर मैंने मुजीबुर रहमान को कैप्टन बना दिया और राशिद खान को वाइस कैप्टन बना दिया है। अब चलिए चलते हैं कि ट्रंप प्लेयर कौन कौन हो सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बैटिंग सेक्शन में आपको चार प्लेयर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चार प्लेयर, ठीक है। ये चारों के चारों नीदरलैंड से हैं। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि ये कल चलेंगे, ये कल प्लेयर फ्लॉप हो सकता है, जो मुझे लगता है। मैं इस खिलाड़ी को नहीं रखूंगा, चाहे चले या ना चले, ठीक है। एंगल ब्रेट को आप ड्रॉप कर सकते हैं। डब्लू बारेसी पर भी मुझे हल्का सा डाउट हो रहा है, इस खिलाड़ी को आप रोटेट कर सकते हैं। लेकिन मैक्सो डाउड और विक्रमजीत सिंह, इन दोनों में से लगता है कि मुझे कोई एक, इन दोनों में से कोई एक कल ड्रीम टीम में आ सकता है, ट्रंप खिलाड़ी हो सकता है। ज्यादातर चांसेस मुझे मैक्सो डाउड का है, खिलाड़ी अच्छा है। विक्रमजीत सिंह थोड़ा सा हिट एंड मिस टाइप के हैं, ये कुछ ज्यादा ही तेजी से मारना शुरू करते हैं, तो ऐसे बल्लेबाजों को जल्दी आउट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। तो मैक्सो डाउड पर आप थोड़ा सा कल ट्रस्ट कर सकते हैं, कल इन चारों में से कोई एक या कोई दो ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है, मैक्सो डाउड या फिर डब्लू बारेसी। मतलब ज्यादातर जो चांसेज है वो मैक्सो डाउड का है, उसके बाद बारेसी का, उसके बाद विक्रमजीत सिंह का, समझ गए। अब चलिए चलते हैं, सीधा बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं दो प्लेयर निकल के बाहर आ रहे हैं, नवीनुल हक और शरीज अहमद। ये जो दोनों हैं ये अफगानिस्तान से और ये हैं नीदरलैंड से। ज्यादातर चांसेज है कि नवीनुल हक कल ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे, एज ए ट्रंप प्लेयर कल आप इनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और अपने टीम में इनको रख सकते हैं, एज ए ट्रंप प्लेयर ये निकल सकते हैं। थोड़ा 20-30% मुझे चांसेज है सिराज अहमद का, नहीं तो नवीनुल हक का तो फुल चांसेज है कि ये डीटी बनकर जाएंगे। तो ये खिलाड़ी हैं जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको कैसे टीम तैयार करना है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। सेफ टीम से जाना है, जिसमें आप जेल लगाइए और ज्यादा चांसेज होगा कि आपकी टीम जो है अच्छी रैंक पे आ सकती है। उसमें एस एडवर्ड्स हो गए, रहमतुल्ला गुरबाज, इसके अलावे आप यहां से मैक्सो डाउड को उठा लीजिए, रहमत शाह और एच शहीदी। इन तीनों का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। चलिए बात करते हैं अब हम यहां से एलवन बीक, एकरमन और अजमतुल्ला उमरजाई, राशिद खान, मुजीबुर रहमान और नवीनुल हक। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक टीम रेडी किया और यही टीम मुझे लग रहा है कि कल इसमें से, इन सारे प्लेयर में से, इन 11 प्लेयर में से कल 8 प्लेयर डीटी निकल सकते हैं। 7 से 8 प्लेयर कल कंफर्म इन्हीं प्लेयर्स में से कल डीटी निकल के आएंगे। अब रही बात कैप्टेंसी की, तो वो डिपेंड करता है टॉस के बाद कौन कैसे खेल रहा है, कौन फर्स्ट इनिंग में खेलेगा, कौन सेकेंड इनिंग में खेलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैप्टेंसी अपनी तय कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो अगर अफगानिस्तान बैट फर्स्ट करेगी तो मैं गुरबाज को कैप्टन बना दूंगा, ठीक है, और उसके बाद राशिद खान को या फिर मुजीबुर रहमान को वाइस कैप्टन। आप यहां से इस तरीके से टीम अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ये फिलहाल के लिए मेरा प्रिडिक्शन कहिए, एनालिसिस कहिए, जो भी है, ये सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।